सेक्स के बारे में बोलना हमारे संस्कृति के खिलाफ कैसे हो सकता है, इसके बारे में बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चर में, हमारे देश में हम सेक्स के बारे में ऐसे खुलकर बात नहीं करते हैं। एक्चुअली आपने देखा होगा कि समझो पति पत्नी साथ में बैठे हैं और बच्चा वहाँ से आ गया उधर से, तो ये तुरंत दूर हो जाएंगे। जैसा कुछ पास में बैठना भी गंदा है या गलत है। सेक्स के बारे में चर्चा होती नहीं है, सेक्स के बारे में कुछ देखा नहीं जाता, मतलब मूवीज नहीं देखना है या कोई फिल्म्स देखनी नहीं है, मतलब वो गंदा कहा जाता है, वो अपने संस्कृति के खिलाफ माना जाता है। तो ऐसा तो पहले जमाने में नहीं था, हमारे संस्कृति में पहले ऐसा नहीं था। खजुराहो में यदि आप सब मूर्तियां देखते हैं, वहां के मंदिर देखते हैं, तो उसके ऊपर सब मूर्तियां जो है वो सेक्स कर आपको वही दिखेंगी। या आप कहीं भी कोई भी पुराने मंदिर में जाते हैं तो वहां भी आपको ये दिखेगा कि उसके बाहर भी सेक्स किए हुए फोटो आपको दिखेंगे। जैसा अजंता एलोरा जो आप देखते हैं, पुजोलिनी है, तो वहां भी आपको ये दिखेगा। कोई भी आप पुराने इसमें जाते हैं तो आपको वही दिखेगा। तो हमारे कल्चर में ऐसा नहीं था पहले। अंग्रेजों ने, जब अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने ये कल्चर हमारे यहाँ लाया। अंग्रेजों ने ये किया कि नहीं नहीं वो तो एक बहुत ही सीक्रेट है, सेक्स के बारे में बातचीत नहीं करना, ऐसा अंग्रेजों ने लाया। और फिर अंग्रेजों की जो संस्कृति है, कल्चर है, हमने वो ले लिया, अपना लिया। एक्चुअली सेक्स बुरा कैसे हो सकता है? यदि तुम और मैं सेक्स हमारे माँ बाप ने किया करके पैदा हुए तो सेक्स कैसे बुरा हो सकता है? यदि हमारे बच्चे, हमने पति पत्नी ने सेक्स किया करके पैदा हो गए तो सेक्स बुरा कैसे हो सकता है? एक हमारे कल्चर में, हाँ, इलिसिट रिलेशनशिप जो है बराबर है, उसके बारे में नहीं बात करना, ये मतलब वो नहीं करना चाहिए, मंजूर है। या फिर अभी हमारे कल्चर में होमोसेक्सुअलिटी अभी एक्सेप्टेड है, पहले वो भी नहीं थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको लीगलाइज किया हुआ है। नहीं तो पहले गे जो थे, बॉय बॉय यदि सेक्स करते हैं तो अलाउड नहीं था, वो क्राइम माना जाता था, अभी हमारे इसमें वो भी अलाउड किया है। तो वह संस्कृति जो है हमारी, तो वो संस्कृति ऐसी नहीं थी, मगर ये बाद में ऐसी हो गई, अब धीरे धीरे हम बदल रहे हैं। मैं काफ़ी बार अलग अलग स्कूल्स में गया और वहाँ भी उनके जो हेडमास्टर्स थे उनको, या वहाँ के जो वो जो ट्रस्ट है उनके चेयरमैन को मिला, उनको बोला कि नहीं हमको ये 9th 10th वाले बच्चे जो है उनको उनको सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है, तो वो नहीं बोले, नहीं हमको नहीं देना, हमारे बच्चे बिगाड़ने का नहीं, ऐसा उन्होंने बोला। मतलब बच्चे कैसे बिगड़ जाएंगे? देखो 9th 10th में जब बच्चा जाता है वो 14-15 साल का है, ऑलरेडी उसको सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो चुके हैं। 9th 10th में जो लड़की जा रही है तो उसको ऑलरेडी पीरियड्स चालू हो चुके हैं, अंदर के जो हॉर्मोन्स है उनकी लेवल अंदर से बढ़ रही है बॉडी में, और वो जो हॉर्मोन्स है मतलब जो नेचर है वो उनको चुप नहीं बैठने देता। फिर जो 9th 10th के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं से वो ज्ञान पाना चाहते हैं, और फिर जब वो ज्ञान पाना चाहते हैं तो फिर वो रास्ते पे जो किताबें मिलती हैं वहाँ से करेंगे, या फिर पॉर्न वीडियोस देख के करेंगे, या फिर ब्लू फिल्म देख के करेंगे, या जो भी उनके हाथ में लगता है वहाँ से करेंगे। उनको साइंटिफिक नॉलेज तो मिलेगा ही नहीं। और ये देने के लिए मैंने मेरा अलग अलग, मैंने यूट्यूब चैनल्स में ये सब नॉलेज दिया हुआ है, साइंटिफिक नॉलेज दिया हुआ है, ताकि कोई भी गलत नॉलेज लोगों को ना मिले और एक साइंटिफिक प्रोसेस वो सीख लेंगे। क्योंकि नहीं तो क्या है कि बहुत ज़्यादा फंसाया जाता है बच्चों को, वो जो किताबें मिलती है बस स्टैंड के ऊपर, वो किताबों से कुछ गलत इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है और फिर प्रॉब्लम होते जाता है। मैंने इसके लिए आनंदी वैवाहिक जीवन करके किताब छपी हुई है, वो किताब ई बुक के जरिए भी आपको अवेलेबल हो सकती है, वो आप मंगा सकते हैं, क्लिक नीचे करो, लिंक दिए हुए उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, या आपको हार्ड कॉपी भी मिल सकती है। वैसे ही आनंदी वैवाहिक जीवन के साथ साथ मैंने तनाव मुक्त व आनंदमयी सगा, मतलब ये सब मराठी किताब है, आनंदी वैवाहिक जीवन ये भी मराठी किताब है, तनाव मुक्त मतलब स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जीना उसके बारे में भी मैंने किताब छपी हुई है, और एक हिप्नोटिज्म के बारे में, सम्मोहन उपचार के बारे में। तो ये बुक्स, ये बुक्स अवेलेबल है, मराठी में है ये, और हार्ड कॉपी भी आपको मिल सकती है। तो ये कोई गलत नहीं है, सेक्स के बारे में जानकारी गलत नहीं है। सेक्स के बारे में आप जानकारी देंगे नहीं तो बच्चे तो लेने वाले हैं। अभी क्या करते हैं, मैंने जब लोगों को, मैं भी काउंसिलिंग करता हूँ, तो फिर लोग अपने बच्चों को सिखा नहीं सकते, उनको शर्म आती है सेक्स के बारे में बात करना अपने बच्चों के साथ में। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो मेरे वीडियोज बताते हैं बच्चों को कि भाई डॉक्टर केळकर की वीडियो देखो, सब जानकारी दी हुई है, ताकि उनको जो शर्म आती है माँ बाप को बोलने के लिए, वो मेरे जरिए वो उनको ज्ञान देते रहते हैं। तो ये कोई गलत नहीं है, सेक्स एजुकेशन होना ही चाहिए। सेक्स एजुकेशन साइंटिफिकली बच्चों को दिया स्कूल्स में तो ये नौबत नहीं आएंगे। आज जो बलात्कार हो रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सप्रेस करते अपने जो सेक्स की इच्छा है वो दबा देते हैं,
और फिर वो बाहर कहीं ना कहीं निकल जाती है। अभी हमने कल ही पेपर में पढ़ा कि एक प्रियकर ने उसके प्रेयसी को एसिड डाल के जला के मार डाला, क्योंकि उसने उसके शादी को ना बोला। वो सेक्स चुप नहीं बैठने देता, वो बाहर कि नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि नहीं, मास्टरबेशन करो, मास्टरबेशन करेंगे तो आपका दिमाग शांत रहेगा, वो सेक्स की जो ऊर्जा है वो बाहर निकल जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा। और उल्टा फिर क्या है, कहीं महाराज लोग, कहीं साधु, कहीं बड़े बड़े जो ओरेटर्स भी है, वो भी बोलते हैं नहीं नहीं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सेक्स बिल्कुल संभाल संभाल के रखना चाहिए, वीर्य संभाल के रखो, संभाल संभाल के उसको वापरो, मतलब ऐसा बोलते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साइंटिफिक नॉलेज यदि मिलता है, हमारे बच्चे जो है वो अच्छा जीवन जी सकेंगे, लड़कियों को फ्री घूमना पॉसिबल होगा। आज जो शाम को अंधेरा होने के बाद में ऐसे कई सिटीज है कि जो वहाँ लड़कियाँ घूम नहीं सकती बाहर, वो डर लगता है क्या हो जाएगा, तो ऑटो में नहीं जा सकती, बस में नहीं जा सकती अकेले, उनको डर लगता है। तो ये सब खत्म हो सकता है, ये सब डर जो है, ये जो बलात्कार है, जो अति प्रसंग जो होते हैं, सब खत्म हो जाएंगे यदि सेक्स एजुकेशन प्रॉपर तरीके से हम करते हैं। तो हमारे संस्कृति में सेक्स के खिलाफ बात नहीं होनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन नहीं देना ही चाहिए सेक्स एजुकेशन। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो, और मेरे जो चैनल्स है वो चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो भी वीडियोज आ रहे हैं वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि एक अच्छा सेक्स एजुकेशन लोगों को मिलेगा और आने वाली नई पीढ़ी जो है वो अच्छी तैयार हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयरकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।